इन बाजी अम्मा के हवाले हम 10,000 की रकम करने लगे हैं, तो बाकी हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। अम्मा जी, ये 10,000 रुपए आप गिने जी। हाँ जी अम्मा जी, कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 10,000। 10,000 आपने वसूल कर लिया जी? हाँ जी। चले माशाल्लाह, जो अमानत हमारे भाई ने आपके लिए इंग्लैंड से भेजी थी आपको वसूल हो गई। हाँ अल्लाह भावे अल्लाह को इतने भी अल्लाह ने बच्चा को याती रखे, अल्लाह भावे अल्लाह ने मार रखे, अल्लाह से बरकत पावे, अल्लाह को ढेर देवे, अल्लाह को सावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 20 चक, इसका नाम है 20। यार भैया तुसा साइड दी वजना, एक मिनट। यार हुण मैनूं फिर दोबारा उत्थे करके आना पएगा फिर नवें सिरे तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं 20 DNB, ये गांव है जो कि तहसील ज़िला यजमान और हैडराजका के करीब है। 20 DNB चक की एक कॉलोनी है जिसका नाम है गरीबाबाद। तो ये गरीबाबाद के एक घर में मैं मौजूद हूँ। ये इस वक्त आपको जो सामने घर दिखाई दे रहा है, ये एक बेवा खातून का है। 1.5 साल कबल इनका शौहर जो था वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। ये बीच में छोटी सेंटर में दीवार है, और दीवार के इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो इस बेवा खातून के जो शौहर था उनके भाई का घर है। जबकि इसके साथ दीवार का जो ये वाला पोर्शन है, इस साइड पे हमारी वो बेवा जो खातून हैं बहन, वो यहाँ पे रहती हैं। एक उनकी बेटी है, बाकी ज़रिया आमदन का जो सिलसिला है वो भी उनका कोई ख़ास नहीं है। लोगों के घरों वगैरह में जाके वो काम करती हैं। मज़ीद जो गुफ्तगू है वो हम चल के बाजी से हम ख़ुद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम अम्मा जी। अच्छा अम्मा जान, थोड़ा सा आप हमें ये बता दें कि कितना अरसा हो गया आपके शौहर को फौत हुए जी? 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। क्या नाम था उनका? रफीक अहमद। रफीक अहमद उनका नाम था जी। तो क्या हुआ था उनको? बस अल्लाह दसा ने, पहले बीमार रह गए 5 साल, बीमार रह गए खटड़े ते पिया रह गए। अच्छा, मैं लोगों का काम कार करते कर ही रह गया, इलाज उनका कर ही रह गया। बस अल्लाह से उनका नहीं है गले दुख कटे। अच्छा, अखीर फौत हो गए। अच्छा, बस एक मेरी बेटी थी, एक मैं। अच्छा ठीक है। अच्छा अम्मा जी, तुसा दसो कि जेले वो बीमार रह गए ते उंगले भी कम शम तुसा करंदे रहे, कम वगैरह तुसा करंदे आवे? जी जी, मैं आप घर आंदे लोकां दा कम करनी ते खानिया। अच्छा, लोकां दे घर च कम करदे, उन्हां दा इलाज भी तुसा करवाए वाला? जी जी, करवे रहे। अच्छा, वो क्या है, क्या उनां को? कोई दसेंदा बे शुगर है, कोई दसेंदा कोई तवीज है, कोई कीवे दसेंदा, कोई कीवे दसेंदा, तो अल्लाह जरा सा को, अल्लाह को पता, मेरे बच्चा मे को क्या पता। अच्छा। मैं अपने वारों का तरला करें दी रह गया, जो भी इलाज करने ठीक थी बनी, ठीक थी बनी। अच्छा। नहीं ठीक थी, बस एक तो चलो वाली माड़ा मोटा टुर करता भी पेशाब पखाना अपने आप कर करता, जो दू जाड़े बिल्कुल डटे ना उनका पेशाब पखाना कपड़े जो रह गया। अच्छा अच्छा अम्मा जी, ये बताएं कि आपके अब जरिया आमदन क्या है, तुम्हारे रोजगार का क्या सिलसिला है? रोजगार का कोई मेरा फिरा सिरे का नहीं, कोई अल्लाह तरसी कर दी थी, कहीं डेढ़ी थे डेढ़ी थे ना डी थे ना से। अच्छा, होई तो खाओगी तो से ना होई तो चुप करते बैठ रहे। उन तो इलावा क्या इतना कोई काम शाम तो करें दे, सो लोगों ने घर काम करें दे? वो लोगों ने घर भी था बुहारी। अच्छा, बर्तन। अच्छा, ये धुतो से वो भी एक गले 2,000 महीना देने। अच्छा, एक घर चू 2,000 महीना बर्तन धो मरदा? जी हाँ, ना सारे काम दा। अच्छा, भी सारा काम करो, बर्तन धोवो, भी झाड़ू फेरो, अंदर पोची फेरो, ते ता है गले 2,000 रुपए रकम देने। अल्लाह जाने की होया, काम करे या करे या पता नहीं, रगा मरी गए, अल्लाह जाने क्या है। अच्छा, दवाया गेंदे खादी खड़िया खुद वहाँ कोई आराम नहीं पिया। अच्छा अच्छा, ये क्या हुआ आपके बाजू पे? बस इवें दराब कथी दे वेने, कई वेले सोज वेंदी ते कई वेले गल ना सही थी वेले, कई वेले दर्द जरा खड़े या का रात भी सकून ते ना नींद। ठीक है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? अलिशबा। अलिशबा, आप स्कूल में पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती, या पहले पढ़ती थी, क्या है?
पढ़ी हुई है? पढ़ती है स्कूल में, यहाँ गरीबाबाद में स्कूल है, स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, गरीबाबाद जो आपके इस गांव में स्कूल है वहाँ पढ़ती है, सरकारी स्कूल में? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? पांचवी क्लास में। अच्छा, पांचवी क्लास में पढ़ती हूँ, ठीक हो गया जी। नाजरीन, ये मुख्तसर से जो हालात हैं वो मैंने आपको अम्मा जी के आपके सामने बयान कर दिए हैं। अम्मा जी ने खुद भी इस बारे में आपको बता दिया है। अकेली खातून हैं, साथ एक बेवा बेटी का, बेवा खुद तो बेवा हैं और साथ समझो एक यतीम बेटी का साथ है। ज़रिया आमदनी इनका कोई ख़ास नहीं है, यहाँ पे गांव में लोगों के घरों में जाके काम वगैरह कर लेती हैं या कभी खेतों में जैसे काम करा लिया, मुस्तकिल इनकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। तो इस वीडियो का सबसे पहले बताता चलूँ, मकसद ये है ना तो कोई ज़ाती शोहरत और ना ही दिखावा, मकसद ये है कि ऐसे लोगों को तरगीब दी जा सके जिन्होंने, जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बहुत रिज्क अता फरमा रखा है, माल अता कर रखा है, इन ऐसे लोगों को तरगीब देने की आएँ और हमारे इस काफिले का हिस्सा बने। हम आपकी भेजी हुई जो इमदादी रकम होती है, इस तरह के जो मुस्तहिक घर होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं जहाँ पे बेवा खवातीन होती हैं जिनका रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं होता, उनको तलाश करते हैं, फिर अपनी तहकीक करने के बाद उनको आपकी भेजी हुई जो अमानत रकम होती है वो इन तक पहुँचाते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में हमारे उन भाइयों के लिए दुआ ज़रूर किया करें जो कि हमारे इस काफिले का हिस्सा बन रहे हैं, जो अल्लाह की राह में अल्लाह की मखलूक पर अपने माल में से खर्च करते हैं, उनके लिए कमेंट सेक्शन में दुआ ज़रूर किया करें। तो इनके लिए हमारे एक भाई हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने 10,000 की रकम भेजी है, मोहम्मद खान साहब उनका नाम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद खान साहब को रोज़े क़यामत इस तरह यतीमों की कफालत के लिए रकम अपने माल में से खर्च करने पे जजाए खैर अता फरमाए और रोज़े क़यामत उनकी बख्शिश फरमाए, उनके और उनकी वालदैन की भी साथ साथ मगफरत फरमाए और इस दुनिया में भी उनको जजाए खैर अता फरमाए और उनके माल में भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला के पास जो भी खैर है हमारे भाई मोहम्मद खान साहब को अता फरमाए और इस तरह और जो भाई हमारे इस काफिले में शामिल हैं या इस तरह के जो नेक कामों में, वो चाहे जहां पे भी हैं, वो जिस हाल में भी हैं और जिस तरह भी वो इस तरह के लोगों के लिए अपने माल में से अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह ताला उन सबको जजाए खैर अता फरमाए। तो इन अम्मा के हवाले हम 10,000 की रकम करने लगे हैं, तो बाकी हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। अम्मा जी, ये 10,000 रुपये आप गिने जी। हाँ जी अम्मा जी, कितने रुपए आपने वसूल कर लिए? 10,000। 10,000 आपने वसूल कर लिया जी? हाँ जी। चले माशाल्लाह, जो अमानत हमारे भाई ने आपके लिए इंग्लैंड से भेजी थी आपको वसूल हो गई। आमीन। अल्लाह भावे अल्लाह को हदीत दे, अल्लाह ने बच्चा को याती रखे, अल्लाह भावे अल्लाह ने मार के अल्लाह से बरकत पावे, अल्लाह को ढेर देवे, अल्लाह को सावा रखे, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी करे। आमीन। मोहम्मद खान साहब उनका नाम है जी? मोहम्मद खान साहब। हाँ, मोहम्मद खान साहब। अल्लाह भावे मोहम्मद खान साहब को अल्लाह से बड़ी दे, अल्लाह भावे बच्चा की हयाती रखे, सुंदी जिंदगी लंबी करे सलाह। आमीन। अल्लाह से ढेर देवे सलाह, ही कने डोरी देवे। आमीन। जरा साडे वास्ते एक गल ये जीती तकलीफ कर रहे, अल्लाह को ढेर देवे, अल्लाह जरे आए अल्लाह हुना को हदीत देवे, हुना को अल्लाह बड़ी हयाती देवे, बड़ी जिंदगी देवे। आमीन आमीन। अल्लाह हुना दे बच्चा की हयाती रखे, अल्लाह हुना दी जिंदगी लंबी करे, हुना दे रिज़्क बरकत। आमीन आमीन। अम्मा जी ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, दिल से दुआएं दी हैं हमारे लिए भी और मेरे साथ जो और भाई भी यहाँ तक मेरे यहाँ लाने का बाइस बने उनके लिए भी दुआएं की और मोहम्मद खान साहब के लिए तो स्पेशल खसूसी दुआएं की। अल्लाह ताला हमारे उन भाई का ये माल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और अल्लाह से दुआ है कि रोज़े क़यामत यही अमल ही उनका जो यतीमों की कफालत के सिलसिले में उन्होंने किया है, इसी अमल के बायस ही उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाह आमीन। अल्लाह जन्नत जाए अल्लाह बैसी जाए कोनी कचारी चो अल्लाह नबी पाक दी कचारी चो आमीन। बाकी मुताई किते कोई थी सकती। नाज़रीन, ये मुख्तसर सी दुआएं की हैं अम्मा ने तमाम लोगों के लिए, अल्लाह ताला इनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही मुस्तहिक घर पे आप लोगों से मुलाकात होगी आप लोगों की भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पा अमान।